अपना टाइम भी आएगा कि जो रानी और वीर हैं यानी कि राजा रानी, उनके घर कोई रस्म निभाई जा रही है और इस रस्म के दौरान वीर के लिए मुश्किल आ गई। तो देखिए वीर की मुश्किल दूर करने के लिए कौन आ गया, माँ। होते भला राजा किसी और की मांग कैसे भर सकता है, वो भी जब रानी सामने खड़ी हो। अब भी क्या बताएं, नंदिनी की होने वाली सासू माँ की ये डिमांड है कि घर की बहुरानी की मांग में सिंदूर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सुहागने सबसे पहले सुबह अपनी मांग भरती है, और वैसे भी आज शिव जी का दिन है, पर आज के दिन पति ही अपनी पत्नी की मांग भरता है। अब घर में शिव पार्वती की पूजा हो रही है और ये पूजा एक सुहागन करती है। कियारा तो सुहागन है नहीं, तो भला उसकी मांग कैसे भरेगी। वीर रानी के सामने कियारा की मांग भरने ही वाला था कि एक मौके पर रानी माँ आ गईं। रुको, तुम कियारा की मांग में से दूर नहीं भरोगे। जब वो देख रही है कि वीर मांग भरने वाला है कियारा की, तो उसे याद आता है कि बाऊजी ने, राजमाता ने सब बताया है कि इसका महत्व क्या है, जिसके कारण वो ये फुलफिल कर ही रही है अपने ड्यूटीज़, क्योंकि उसे बताया गया है कि तेरा मांग भरा है तो अब तू यहीं रहेगी, यही तेरा फ्यूचर है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही पति को किसी और का मांग भरते हुए देख रही है, तो ये तो कुछ गलत लग रहा है, उसे बहुत गलत लग रहा है। वो आंखें बंद कर देती है क्योंकि वो देख नहीं पाएगी। रानी माँ ने बात को पलट दिया, जिसके चलते वीर बच गया कियारा के मांग में सिंदूर भरने से। अब रानी माँ ने ऐसा क्यों किया, क्या वो रानी को सच में अब अपनी बहू स्वीकार करती है, या फिर उनके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है। वेरी शॉकिंग कि आउट ऑफ ऑल द पीपल राजेश्वरी जी ने आके रोका, रानी कंफ्यूज्ड है काफ़ी कि क्यों रोका। ऐसा तो बहुत डाउटफुल लग रहा है कि उसने रानी को एज अ बहू एक्सेप्ट किया है, लेकिन कोई तो वजह होगी। लेकिन या फॉर अ चेंज राजेश्वरी जी इज हियर टू सेव द डे। अब जो भी हो, पार्वती माँ के आशीर्वाद से रानी के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।